तो फरहान कहता है कि उसको हवा लगती है ना, तो इसलिए ये सही रहता है। तो ये कोशिश करता है कि इसको विंडो सीट लेके दे। अच्छा, क्या शीशा खोल के बैठ जाते हैं जहाज में? इसका ऑलमोस्ट इसका बस चले तो बैठ जाए खोल। जबरदस्त सारा मैं कर लेता हूँ। वो तो सेहत से लग रहा है। हम एक इवेंट में है तो अभी भी इनको अगर मैं बताऊँ तो नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। बिल्कुल सही बात, तो ट्रस्ट की बात। अपन का पार्टनरशिप तब टूटता है जब ट्रस्ट ना हो। सच नहीं चुपता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी फरहाद खान और आप देख रहे हैं FK मीडिया प्रोडक्शन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो मट्टी है ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ है। जैसे हमेशा हम KP की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, ये नहीं कि बाकी सूबे जो हैं, पंजाब देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, सिंध देख लें, ये सब जो है मेहमान नवाज़ है। क्योंकि हमारे तमाम पाकिस्तान की जब पूरी दुनिया में पहचान होती है तो एक बात ज़रूर की जाती है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। तो इस वक्त हम बलूचिस्तान एक्सेलेंसी अवार्ड शो में मौजूद हैं और नाज़रीन मेरे साथ ऐसी टीम मौजूद है जिनको आप हमेशा से, जिस शहर में भी, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस नहीं की। हुमारियान ग्रुप, ये ग्रुप जो है किसी तारीफ और किसी तारफ का मोहताज नहीं है। बहुत इनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त हुमारियान ग्रुप के तमाम मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, दी ग्रेट। आप फरहान, मैं फरहान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई और आपने हमें मौका दिया आपके साथ इस स्क्रीन पर आने का। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ये बताएं, आज आप यहाँ बलूचिस्तान में हैं और बलूचिस्तान एक्सीलेंसी अवार्ड शो हो रहा है, तो क्या कहते हैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? यार बलूचिस्तान हमारे लिए इस तरह है कि वो दूसरा घर समझे ना जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज़ुबान एक जैसे हैं, सकाफत एक जैसे हैं, सारा कुछ, फूड भी हमारे एक जैसा है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लाहौर जाऊँ तो वहाँ खाने के अगर मैं शौकीन हूँ तो मुश्किल होता है, यहाँ वो भी। और लोग मेहमान नवाज तो ऊपर है ही जी। बिल्कुल, हम इधर आके तो दो सहबाब पीछे लग रहे होते हैं, ज़बरदस्ती आपको उठा के जी मेहमान नवाजी कोशिश करते हैं यार हमें उसको मौका दिया जाए। तो हम जब भी आते हैं और यहाँ के पहाड़ें, यहाँ का फल, यहाँ के लोग, यहाँ के जो ना ये मिट्टी बहुत, जिस तरह आपने कहा जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल लैंड, और अच्छा लगता है यार यहाँ प्ले करने में भी, ऑडियंस भी, जिस तरह हमारी मतलब ज़ुबान, खुराक भी, हमारी मौसीकी भी जुड़ी हुई है। तो चूँकि हम इंस्ट्रूमेंटल बैंड है, उसमें रबाब, सितार और ये सकाफती जो पश्तून साज है वो बजते हैं जी जी। तो हम जब इधर बजाते हैं तो यू नो लोग एंजॉय करते हैं और वो प्यार देते हैं। तो अच्छा ये बताएं सर कि आपकी आमद कब हुई थी शोबिस की फील्ड में? 10-12 साल हो गए और हम दोस्त थे, चारों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ से हमने स्टार्ट ली। और कोशिश यही थी कि यार हम जो पश्तून जो सकाफती मौसीकी है उसको हम प्रमोट करें और दुनिया को दिखाएँ के, और एक नई थोड़ी सी जिद्दत जिद्दत की तरफ उसको लेकर जाएं, फ्यूजन करें वेस्टर्न मौसीकी के साथ। और एक विजन था कि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं अभी, मतलब जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं इसके अलावा दुनिया भर में हमें बेशुमार ममालिक में हमें परफॉर्मेंस की और अपने पश्तून और पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वह हमने की। अच्छा सर, ऐसा करते हैं, खड़े होते हैं, साथ मौजूद हैं जी हुमारियान ग्रुप और पाकिस्तान का बहुत ही फेमस ग्रुप जो है, उनके बाकी मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा गपशप कर लगाते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत अच्छी फीलिंग है कि इस तरह जब हम एक सूबे से दूसरे सूबे आते हैं तो यही होता है ना कि इससे और भी हमारे जो कनेक्शन है, जो हमारे हेरिटेज है, कल्चर है, वो और भी स्ट्रांग होता है। और इस तरह क्रॉस कल्चरल इवेंट्स बहुत और भी होने चाहिए। अच्छा, मैंने तो आपके बारे में कुछ सीक्रेट कुछ सुने कि आपकी सिंगिंग के साथ आपके कोई अजीब व गरीब शौक हैं बहुत ज़्यादा, वो ज़रा बताइए। हाँ जी, ज़रा प्लीज़ स्पेसिफिक हैं ये टर्म, ज़रा अच्छी नहीं भाई, ये कह लें कि ज़रा एडवेंचर का ज़्यादा शौकीन हूँ। तो साइकिलिंग हो गई, बाइक्स वगैरह हो गई, या इसके अलावा जितने भी ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कूबा, स्पीयर फिशिंग और इस तरह की, तो करता रहता हूँ। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि या सिंगिंग सेलेक्ट कर लो या अदर जो आपकी फील्ड है, तो कौन सी फील्ड सेलेक्ट करेंगे? तो सिंगिंग तो वैसे भी नहीं करते क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल बैंड में, तो वो चीज़ ऑलरेडी कवर हो गई है। तो मतलब रिलेट तो इसी से, इसी को सिंगिंग देखिए जी, जो चीज़ भी आपको
खुशी दे आपको दिल से, कहते हैं रूह जवान रखे, तो वो अगर मौसीकी भी है तो साथ साथ आप कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको याद होगा हम पीसी पिशावर में एक शो कर रहे थे, वो शो की शो चूंकि हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसमें शाजमा हलीम साहिबा थी, बहुत फेमस जो है पीटीवी की होस्ट हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि जी हुमारियान ग्रुप है, तो उन्होंने कहा ये तो सारे बच्चे हैं, तो ज़रा ये बताएं। मैंने कहा मैडम जब ये फील्ड में आए थे तो बच्चे थे। कि बच्चे आए थे आप सारे? अब तो तीनों में से दो के तो अपने बच्चे हैं, तो पहले बच्चे आए थे, अब इनके अपने बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देखिए ना जी, ये वाकई क्या कहते हैं, मुझे याद है आज भी वो बात, 4-5 साल हो गए, तो वो कह रही थी फरहाद मैंने सुना था कि ये सारे बच्चे हैं, तो मैंने कहा मैडम क्या ये बच्चे बड़े नहीं होंगे, क्या कहते हैं? किसनी होगी? अच्छा जी सर, आप बताएं आपका सिंगिंग, तो ऑलरेडी जो आपका बैंड है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो आप घर पे आराम से क्यों नहीं बैठते? आप महीने में 15-15, 10-10 इवेंट कर रहे होते हैं, तो रिलैक्स क्यों नहीं करते कि चलो जी महीने में हमने 3-4 इवेंट करने हैं, क्या वजह है? बस अभी जवानी चले, जब तक जवान है जब तक हम कुछ कमा तो सके ना। बुढ़े होंगे बाद में देखेंगे, फिर बैठने का सोचेंगे क्या हो सकता है। अच्छा ज़बरदस्त, कौन सा शहर है पाकिस्तान में जहाँ आप नहीं गए? बहावलपुर। बहावलपुर, बाकी सब जगह जा चुके हैं? नहीं, वो दिमाग में आया था, वो नहीं गया था। हाँ सियालकोट भी देखने गया। अच्छा, कराची सिंध और केपी से? तो वो मारा हर जगह देखेंगे, सुबह हमने सारे देखे। से लेकर जी हमने मेरे ख्याल लाहौती मेलो, हैदराबाद, जितनी मेजर सिटीज है सब की हुई जी। अच्छा, इससे पहले आप यूके भी गए थे, तो यूके का आपको वो जो फेस्टिवल था, जो इवेंट था, वो कैसा लगा आपको? यूके तो शोज हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा देखें यूके का अपना मज़ा है, यहाँ का अपना मज़ा है। इस वक्त जो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो इस शो का आ रहा है। आपको बहुत मज़े का शो है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक्सटेम्पर जो है ना गुफ्तगू चल रही है, बहुत शानदार है। आपके पिछले सवाल का जवाब मैं दूंगा, हुंजा हम लोग नहीं गए आज तक, हुंजा हमारे बहुत अच्छे फैंस हैं, तो जो लोग हुंजा से देख रहे हैं हम बहुत जल्द एक शो करेंगे वहाँ पे। और बाकी बात रही यूके की, सिर्फ यूके नहीं, हम लोग यूके, यूएस, पेरिस, आयरलैंड, बहुत जगह गए हैं, अफ्रीका, पुख्ताना खर्ज है कि तरह से कि मिला उसी सावा जगह मिले, लेकिन चूंकि हमारा वर्ल्ड म्यूजिक कैरेक्टर तो सब लोग पसंद करते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। अच्छा, ये एक जो बात आप चारों दोस्तों में, चारों फ्रेंड्स में बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, अक्सर जब दो दोस्त मिलते हैं तो तीसरा जो है उनको अलग करने की कोशिश करता है, तो आप माशाल्लाह दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार फ्रेंड जो है एक बैंड को लेकर चल रहे हैं, और बहुत वक्त हो गया, तो आपको कुछ लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? हमारे पास लोगों की बातें सुनने का टाइम नहीं है भाई। अभी आपने कहा 15-20 शो होते हैं महीने में, और ऐसा कोई मिला नहीं है हमें। हमारे लिसनर्स इतने अच्छे हैं, और जो जहाँ हमने शो किया है, चाहे जिस एज का भी हो, जिस एथनिसिटी का हो, जिस बैकग्राउंड का हो, वो हमेशा एक बात करते हैं भाई, बस साथ रहना। देखें, जो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनको अलग किया जाए, वैसे ऐसी कोशिशें होते हुए कि कुछ लोग आपसे जेलस हों? नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। जब एक सिंगर ना हो ना एक बैंड में और उसका मैनेजर ना हो तो ये मसाइल नहीं होते फिर। जबरदस्त, हाँ, जब चारों के चारों जो है ना दोस्त एक जैसे हों, एक बैकग्राउंड से आते हों, और सारा हर चीज़ बात इक्वल रखते हों, तो फिर ये मसाइल नहीं होता। जरा बताएं इनकी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती फरहान भाई की? मुझे फरहान की आदत अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती कि ये इसमें नहीं होनी चाहिए? फरहान लड़ाई करवानी है आपकी? आप में लड़ाई करो? अभी मैंने कहा मैं मैनेजर नहीं हूँ भाई, ये कोई चक्कर ही नहीं है। मुझे जैसा है मेरा दोस्त है 12 साल से, ये होता ना होता तो ये बैंड ना होता, और शिराज ना होता तो ये बैंड ना होता, ये ना होता तो ये बैंड ना होता, और मैं तो कन्फर्म ना होता। जबरदस्त, अच्छी आदत इनकी कौन सी है, चले ये बताए। अच्छी आदत, अच्छी आदत ये है कि हम्बल तो है ही है, वो तो हम सारे हम्बल हैं भाई। हम तो हाँ वही अपनी तारीफ छोड़े वो छोटी मोटी। तो ये सबसे अच्छी आदत ये है कि हर एक बैंड में जो है ना हर तरह की उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। चार लोग जितने भी अच्छे क्यों ना, एक जैसे क्यों ना हो, उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। फरहान का ये है कि वो हम तीनों में से हर एक जो जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है उसको साथ लेके चलता है। ठीक है, हाँ अब ये हमारे शिराज भाई हैं, ये अगर ना बैठे विंडो सीट पे जहाज की तो इनको उल्टी आती है, पर ये इनका साइंटिफिक उन्होंने फार्मूला बताया है कि मैं ना बैठूँ तो फरहान कहता है कि इसको हवा लगती है ना, तो इसलिए ये सही रहता है, तो ये कोशिश करता है कि इसको विंडो सीट लेके दे। अच्छा, क्या शीशा खोल के बैठ जाते हैं जहाज में? इसका बस चले तो बैठ जाए खोल। जबरदस्त, क्या मैसेज करना चाहेंगे कौम को? यही बात है कि जी जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है,
तो आपके जितने भी करीब लोग हैं, आपकी फैमिली है, उनका बहुत ख्याल करें, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें, और जितनी खुशी के मौके हों उनको जितना ज़्यादा आप चेरिश करें करें, खुशी के मौके पे हमारा म्यूजिक सुने। हाँ, और हमें बुलाएं, हमें भी जरूर बुलाएं। वो सारी जो है वो बांट देते आपस में या कोई सारा मैं कर लेता हूँ। वो तो सेहत से लग रहा है। इतना मिला है कि कभी इस तरह जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की बातें करने की, कि बस जितना जितना मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। देखिए, आप पार्टनरशिप की इधर बात हो रही है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें मेन चीज है ट्रस्ट की। जी जी बिल्कुल। तो देखें, अभी आज का हम एक इवेंट में हैं, तो अभी भी इनको अगर मैं बताऊँ तो नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। बिल्कुल सही बात, तो ये ट्रस्ट की बात है। बहुत अच्छी बात। और आपका पार्टनरशिप तब टूटता है जब ट्रस्ट ना हो। सच नहीं चुकता, सच नहीं चुकता। आजकल बहुत छोटी सी दुनिया है। सो हम चलते हैं भाई की तरह, जो भी आए सबके सामने इक्वल डिवीजन, दैट्स व्हाई जिंदा है 12 साल और बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ग्रेट। इसका जो सबसे पहला जो पार्टनरशिप की चीज़ आपको भी पता है, बिहार वाले ना देख। हाँ, अच्छा, इनकम कितनी होती है आपकी? और दूसरी बात, जी जी प्लीज, सदका। माशाल्लाह, वेरी नाइस, ग्रेट। तो वो भी हम हमारी तरफ से जाता है। और तो ये दो जिस तरह लिटिल कॉम्बिनेशन है कि आप को भी स्टार्ट कर लो। अच्छा, वैसे ये महीने में कोई करोड़ एक रुपया कमा लेते, वैसे आप जरा बताइएगा। ये बात एफबीआर वाले भी सुन रहे हैं। ये बात तो हमारे और अल्लाह के बीच में। अच्छा। यार देखें, हमारा मौसीकी का इस तरह है कि चलो हमने एक महीने में 1 करोड़ कमा लिया, फिर 9 महीने हम इस तरह बैठे हुए हैं। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई फिक्स इनकम नहीं है। हमने 50,000 तक भी कमाया एक महीने में, और 50 लाख तक भी कमाया, ठीक है ना। तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, और लेकिन इतना है कि बस गुजारा हो जाता है। हम डिमांड भी इतना नहीं करते, कि हमारी जो मेन मकसद है वो ये है कि हम पश्तू मौसीकी को सपोर्ट करें, प्रमोट करें और दुनिया तक फैलाएं। अच्छा, ये आइडिया किसका था? आइडिया किसका था हमारेन ग्रुप को लॉन्च करने का? एक दो तीन हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, इकट्ठा बैठ के हमने डिसाइड किया कि इस तरह करना है। अच्छा। ये फिर हमें मिला 1 साल बाद, तो सब इकट्ठा, और हमारे मकसद हम मुत्तफिक हुए कहाँ ये चीज़ करनी है और उस पर चल पड़े। वाओ, नाइस, ग्रेट। कोई ख्वाब देखा है अपनी ग्रुप के लिए, कि अपने अपने ग्रुप को अकेले अपने लिए देखा या पूरे ग्रुप के लिए? ग्रुप के लिए कल ख्वाब देखा। हाँ, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। हम आप स्टेज पे आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वो ख्वाब पूरा हो गया, आज परफॉर्म कर रहे हैं। ये अभी होगा, अभी होगा कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैसेज देते हैं जी आवाम को, कामयाबी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? कामयाबी के लिए पहले से पूछे। अच्छा जी, आप बताएं जी। वही हर चीज़ जैसे भी, उसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें, यही इसमें आपकी कामयाबी है। नियत साफ रखें। आप क्या कहना है? यार, नियत साफ रखें, इस तरह कहते हैं सदका दी, मैं तो यही कहूँगा इस तरह कहेगी, अल्लाह बहुत बरकत है। बेहतरीन जी, प्लीज़ आप। सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ये करें कि दूसरे का हक ना मारें। जितना मिल रहा है उसमें जस्ट बी हैप्पी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हक नहीं मिल रहा तो अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं। कौन सा मुल्क है जहाँ पे ख्वाहिश रखते हैं कि इस मुल्क नहीं गए यार, इधर जाना है? मेन मालिक हैं, हम गए हुए हैं जो नेम एट, और वी वेंट ओवर इंडिया, गए बिल्कुल गए हुए हैं चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, हमारी शुरुआत इंडिया के टूर के साथ हुई। सबसे पहला कॉन्सर्ट इंडिया में क्या था, तो इंडिया में रिस्पांस कैसा था? कोई ऐसी फीलिंग थी आवाम में कि यार ये तो पाकिस्तान से आए, हमारे दुश्मन मुल्क से आए हैं? 10 साल हो गए और वो इस तरह हम एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती रखते हैं कि जिस तरह बहन भाई हो। नाइस। सो जो भी है पॉलिटिकल, उसमें हमें हम उसमें घुसते नहीं हैं, और आवाम के साथ हमारा कनेक्शन है, हम सब हम लोगों के लिए प्ले करते हैं। Nice. और हाँ, अगर उधर कोई जानवर भी हमको सुन रहा है, परिंदा, कुत्ता, मतलब जो भी, यू नो, सो वी प्ले फॉर एवरीवन, क्योंकि साउंड है, फ्रिक्वेंसीज हैं, और दो दिलों को छूता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे वर्ल्ड मौसीकी है, इट्स ईजी टू ऑब्जर्व, रबाब का साज, सितार का साज, ये बहुत अमन और प्यार से भरा हुआ है। Great. अगर आप गमगीन हो, आपकी टेंशन हो, आपका कोई और सोच हो जो मनफी हो, वो आपका पॉजिटिव कर देता है, सो इट गिव्स यू एनर्जी। और हम जब इंडिया गए थे, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, और अभी भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट में हैं, और मतलब ज़ुबान एक जैसा, लिबास एक जैसा। बाकी इशूज़ ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं है, हर ममालिक का अपनी जुग्राफियाई इशूज़ होते हैं, चाहे जितना दोस्त ममालिक क्यों ना हो, या तो टमाटर के ऊपर अटके होंगे या तो और चीज़ के ऊपर, तो वो उसको मौसीकी को बॉर्डर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। और जहाँ बॉर्डर में हम उस वक्त थे, मैं गया था तो परिंदे उड़ रहे थे, शिराज ने तस्वीर दी, तो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से परिंदे यहाँ आए। सो मौसीकी भी यहाँ जो फ्रिक्वेंसीज है, वहाँ जो मौसीकी बज रहा था यहाँ से, वो भी वहाँ तैर रहे थे, और वहाँ की मौसीकी हमने सुनी,
सो यू नो वी लाइक दिस. ग्रेट ग्रेट. अच्छा आपके ग्रुप में वोकलिस्ट तो कोई होगा ना कि थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाए. आपकी बारी. आप गुनगुनाते हैं. नहीं मैंने कुछ माइक पकड़ दूं अब आप. अच्छा शिराज भाई आप, मैं बताता हूँ ना आप. अच्छा ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैंने कोशिश की थी शुरू में सिंगिंग करने की. एक उस्ताद के पास मैं गया, मैंने कहा उस्ताद जी मैं गाना सीख सकता हूँ. तो उन्होंने कहा गा के सुनाओ. मैंने अंतरास्थाई सुनाया तो मुझे कहने लगे आप बिल्कुल नहीं सीख सकते. मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि तुम 200 साल भी मेहनत करो सिंगर नहीं बन सकते. तो फिर उसके बाद मैंने गाया ही नहीं. आप में कौन गाएगा थोड़ा बहुत? जरूरी नहीं कि हम कहें कि हम म्यूजिक आर्टिस्ट हैं तो वो गाना गाए, यू नो. इसके खिलाफ हमारी ये भी जद्दोजहद है कि अगर मैं आपको कहूँ कि गुलपाना के साथ तबला रबाब सितार कौन बजा कर, उसको आप नहीं जानते. Definitely. लेकिन जो गुलपाना है, आतिफ असलम है, अली जफर है, उस सारे जान रहे होते हैं, ठीक है ना. तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो म्यूजिशियंस हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उसको एम्पावर करें. वी आर आर्टिस्ट, वी आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, हम कंपोजर्स जो कि मेन काम है. आप किसी भी सिंगर से, बड़े बड़े से, माइकल जैक्सन से, आई आर रहमान से, किसी भी से, जी यार रहमान जी भी गाता है तो वो कीबोर्ड उसके सामने होता है. अगर वो ना होता है तो उसकी आवाज़ दो बंदे भी ना सुने. सो इट्स अ मैटर ऑफ दुनिया में ये होता है. सो हम म्यूजिशियंस हैं, वी आर आर्टिस्ट एंड वी आर प्राउड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. हम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं. आप बेशक हमारे यूट्यूब पर जाए खुमारियान, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्पॉटिफाई पर जिधर भी आई ट्यून्स, वी आर एवरीवेयर. और हमारी दुनिया वहाँ लाइव सुने और हम लाइव म्यूजिशियन एक्ट है. इंशाल्लाह अगर आपको जब भी मौका मिले आप हमारे कॉन्सर्ट्स पे आएँ. और आपको ग्रेट हो गया जी. बिल्कुल हुमारियान ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है वो आपने ज्वाइन भी करना है और इनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उनको लाइक करना है, कमेंट्स करने और इनको मज़ीद अप्रिशिएट करना है. तो आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नया पाकिस्तान कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखें, हम ऐसा बैंड है कि पॉलिटिक्स से हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं. हम आर्टिस्ट हैं, प्यार को बांटते हैं और वो जाने काम जाने. हाँ पाकिस्तान, वी आर प्राउड पाकिस्तानी और उसके लिए जान भी कुर्बान. और दूसरी बात है कि नया पाकिस्तान देखें, हर एक एस्पेक्ट का अच्छा और बुरा भी होता है. तो हमने इसके अच्छी चीज़ें भी दिखी हैं, बुरी चीज़ें भी दिखी हैं. तो यू नो वी हम जो भी पॉलिटिशियंस हैं सबको हमारी दुआएं हैं कि चाहे जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतर सोचे जिस तरह हम मौसीकी दुनिया में और उसको प्रमोट करें ताकि वो भी करें. ग्रेट हो गया. आपको महंगाई फील होती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा फील होती है जी? होती है महसूस होती है जब मैं अपनी गाड़ी की टैंकी फुल कराता हूँ. एक ज़माने में कम एक ज़माने लेकिन फिर भी ये दुनिया का अब इशू है. ऐसा ग्लोबल थिंग कोरोना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया, बड़े बड़े सुपर पावर जो ममालिक हैं वहाँ ये चीज़ें हमारे सामने आई हुई हैं. तो देखें ये दुनिया में पहले भी इस तरह इकोनॉमी जो ना क्रैश हो चुकी है कई दफ़ा, तो आते रहते हैं फिर स्टेब्लिश हो जाते हैं और एक पहिया है वो चलता रहता है. सर जी खुराक सबको मिलती है. आपने अभी खाना खाया है? डेफिनेटली. जिंदाबाद. चलते चलते हम ज़रा इकट्ठे होंगे और एक तो आज जो यहाँ पर हम मौजूद हैं पाक आर्मी की तरफ से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है स्पेशली उन शख्सियात के लिए जो बलूचिस्तान के लिए जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, दिन रात मेहनत की और अपना एक मकाम बनाया. तो उन शख्सियात को अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल में चलते चलते अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम एक ज़बरदस्त नारा होना चाहिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.